हेलो दोस्तों, रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेखा और कोण से संबंधित कुछ अभिग्रहितों और प्रमेय पर चर्चा की। इस वीडियो में उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज CDE एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ADC बराबर है कोण CEB के। यहाँ पर हम सीधे सीधे रैखिक कोण युग्म का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि कोण ADC धन कोण CDE बराबर 180 अंश और उसी तरह कोण CED धन कोण CEB बराबर 180 अंश। अगर हम दोनों समीकरणों पर ध्यान दें तो यहाँ दाहिनी ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होंगे, यानी कोण ADC धन कोण CDE बराबर कोण CED धन कोण CEB। अब चूंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज CDE एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके सभी कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए कोण CDE बराबर है कोण CED के, अतः कोण ADC बराबर होगा कोण CEB के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में रेखा PQ और NR बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कोण POM धन कोण QON 80 अंश है और कोण POR 50 अंश है, तो कोण MON, कोण POM तथा कोण QOR का मान ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले यह ध्यान दें कि यहां पर कितनी रेखाएं हैं और कितने किरण, उससे हमें यह पता चलेगा कि कितने शीर्षाभिमुख कोण हैं और कितने रैखिक कोण युग्म हैं, जिनकी मदद से हम यह प्रश्न हल कर सकते हैं। हमें कोण POM धन कोण QON बराबर 80 अंश दिया हुआ है। कोण POQ एक सीधी रेखा है, यानी कोण POQ बराबर 180 अंश है, या कह लें कि कोण POM धन कोण MON धन कोण QON बराबर 180 अंश है। हमें कोण MON का मान पता करना है, तो यहाँ हम कोण POM धन कोण QON का मान रख कर कोण MON का मान ज्ञात कर लेंगे। हमें कोण MON 100 अंश मिला। अब ज्ञात करते हैं कोण POM का मान। हमें कोण POM धन कोण QON 80 अंश दिया हुआ है। अगर हमें कोण QON का मान पता चल जाए तो हम कोण POM का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर रेखाएं POQ और RON एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कोण POR बराबर है कोण QON और उसी प्रकार कोण PON बराबर है कोण ROQ के। हमें कोण POM और कोण ROQ से कुछ ज्ञात नहीं करना है, लेकिन चूंकि कोण QON बराबर है कोण POR के, इसलिए NOQ भी 50 अंश होगा, क्योंकि हमें कोण POR 50 अंश दिया हुआ है। और अब अगर हम कोण QON का मान इस समीकरण में रखें तो कोण POM धन कोण QON बराबर 80 अंश, तो कोण POM का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा कुछ इस प्रकार। हमें मिला कोण POM बराबर 30 अंश। और अब है आखिरी कोण, कोण QOR। मैं यहाँ पर कुछ संकेत देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसका मान आप खुद निकाल सकेंगे। संकेत यह है कि कोण QOR और कोण POM शीर्षाभिमुख कोण है। यह काफी आसान और सीधा प्रश्न है। कोण AEC बराबर 1/2 कोण BED और कोण CED बराबर 60। हमें यह दिया हुआ है। हमें कोण AEC का मान ज्ञात करना है। अब इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि कोण AEC धन कोण CED धन कोण BED बराबर 180 अंश। यहाँ हम कोण AEC की जगह 1/2 कोण BED लिख सकते हैं, या कोण BED की जगह 2 कोण AEC और साथ ही कोण CED का मान भी रखेंगे। कोण AEC धन 60 अंश धन 2 कोण AEC बराबर 180 अंश। अब इसे सरल करके कोण AEC का मान ज्ञात करेंगे। 3 कोण AEC बराबर 180 ऋण 60, कोण AEC बराबर 120/3,
हमें कोण AEC 40 अंश प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह प्रश्न आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि कोण AEC संबंधे कोण BED बराबर 1:2 है, और इसका यही अर्थ होता है कि अगर इन दोनों कोणों का अनुपात 1:2 है, यानी कोण AEC बटे कोण BED बराबर 1:2, जो होगा कोण AEC बराबर 1:2 कोण BED। तो दोस्तों, एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। हमें अपना ध्यान प्रश्न और गुणधर्मों से नहीं हटाना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने कोणों के युग्म पेयर्स ऑफ एंगल्स से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। धन्यवाद।